कल कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था एक पप्पी का जिसकी डेथ हो चुकी है। काफी लोगों ने वहाँ क्वेश्चन करे थे बट मुझे लगा एक अपडेट दे देनी चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो इस चीज पे आएगी ताकि लोग मिस ना कर सके। तो आज की वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए दो बैड न्यूज है एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ज्यादा है आई नो, तो इस वीडियो में आपको एक बैड न्यूज दूंगा एक गुड न्यूज दूंगा और बाकी जो एक बैड न्यूज है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जो गुड न्यूज है वो ये है कि हाँ चीनी के पप्पी हो चुके हैं और चीनी के पप्पी मेरे पास हैं, चीनी के पास हैं, उसके पास एकदम सेफ हैं। ये है गुड न्यूज। एक बैड न्यूज भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक अगली में बताऊंगा जिसमें चीनी की डिलीवरी दिखाऊंगा प्रॉपर। तो जो बैड न्यूज है वो ये है कि चीनी के दो पप्पियों की डेथ हो चुकी है। पप्पी नंबर वन जो सबसे पहले बाहर आया था उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो सांस नहीं ले रहा था, फ्लूट चला गया था शायद उसके नाक में मुंह में। तो उसको मैंने रिवाइव करा 15 से 20 मिनट मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन वो सर्वाइव तो कर गया लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी थोड़ी देर बाद उसकी इंटेस्टाइन बाहर आने लगी क्योंकि वो पप्पी बीच में अटक गया था, बाहर नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम बाद बाहर आया तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके इंटेस्टाइन के आसपास थोड़ी सी खिंचाव हो गया था जिसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइन बाहर आने लगी। जब रात में मैंने ये चीज़ देखी तो मैं डर गया, मैंने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करा। डॉक्टर ने उससे बोला अभी उसको साइड में रख दो क्योंकि लेट नाइट पप्पीज हुए थे बहुत, अभी डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं था और कहीं और जाने का चांस नहीं था, मॉर्निंग तक मुझे वेट करना ही था। मॉर्निंग तक मैंने वेट करा और मॉर्निंग पर वेट करने के बाद देखो आगे क्या हुआ। तो ये एक डॉग है जिसके इंटेस्टाइन बाहर है, मैं दिखा नहीं सकता, मैंने कपड़ा लगाया हुआ है, आप यहाँ साइड से देख रहे हो, थोड़ा सा मैं पूरा नहीं दिखा सकता। कल रात से इसके इंटेस्टाइन बाहर हैं और कल रात मतलब उस टाइम जब ये बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर नहीं था। अब सुबह से मैं डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहा था, मेरा हो नहीं रहा था, फाइनल कांटेक्ट हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि वो ट्राई कर सकता है, ये बहुत सुस्त है बट अभी भी इसमें लाइफ है। तो नीचे रॉक्सी खड़ी है वहाँ चीनी पप्पी के पास है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यार ये जो भी है तो पप्पी ही इसको बचाऊँ। उसको मैं अभी डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, ऑपरेशन होगा इसका छोटा सा। अब इसकी उम्र ही कितनी है यार, 24 घंटे पूरी नहीं हुई है और इसका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे जो इसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई है वो अंदर चले जाएँ। मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसकी आंतें बाहर आ गई हैं तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा इसे लेके। तो इस छोटे से बॉक्स में रखे मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ अभी। रॉक्सी यहीं पर अगर पे तुम नहीं, रॉक्सी बहुत बहुत मतलब ऐसे हो रही है इनको देख के, छोटा छोटा रो रहा है यार। तो इस पप्पी को यहाँ पे टांकी लगा दी है, इंटेस्टाइन जो थी बाहर वो अंदर कर दी है लेकिन अभी भी इसको होश नहीं है बिल्कुल भी और ड्रिप वगैरह लग नहीं सकती, इतना छोटा है, नसी ही नहीं बनी है अभी इसकी प्रॉपर। तो दवाई दी है इसको थोड़ी सी, मैंने इसको छटाने की कोशिश करी है लेकिन अभी ये मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस होता जा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके गया, स्ट्रेचेस लगा दिए, सब चीज़ें हो गई लेकिन फिर भी उसके जो इंटेस्टाइन थी उन पर इन्फेक्शन हो चुका था क्योंकि वो बाहर थी, बाहर के जर्म्स पे लगे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब आते हैं पप्पी नंबर 4 की तरफ। जो पप्पी नंबर 4 था जब वो हुआ रात के लगभग 2:30 या 3 बजे के अराउंड, तो मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, वो मरा हुआ ही पैदा हुआ था। उसको रिवाइव करने की कोशिश करी बट कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो मरा हुआ ही पैदा हुआ था ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमारे दो पप्पियों की डेथ हो गई। तो अभी जो चीनी के कितने पप्पी हुए हैं और एक और जो बैड न्यूज है वो क्या है जिसने मतलब मेरे को 2 दिन सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे, आप लोग अपलोड दूं तो दूं कैसे, वो वीडियो मैं 1 या 2 दिन अपलोड कर दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के एक्चुअली हुआ क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है क्या। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, गुड बाय और मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें। बाकी चीनी के पप्पी जो हैं बचे हुए वो उसके पास है। थैंक यू।